तो गाइस यार फिर से एक अमेजिंग आइडिया के साथ, तो फिर आज की वीडियो बहुत धमाका होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो बनाने वाले हैं दुनिया का सबसे छोटा मिनी एंगल ग्राइंडर। जी हाँ, अगर जो एकदम पोर्टेबल होने वाला, आप उसे हाथ में कहीं भी लेकर यूज कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हो पॉकेट में रखकर। यार उसे आप यूज करने के बाद चार्ज भी कर सकते हो, हम उस प्रकार के बनाया है। तो यार वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एकदम 100% वर्किंग है। फिर तो वीडियो को अंत तक देखिए, और हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के धमाकेदार आइडिया आते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वीडियो को शुरू करते हैं। और पोर्टेबल ग्राइंडर बनाने के लिए यहाँ पर मिनी मोटर का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एकदम हाई आरपीएम का ये मोटर है, और ये आपको ट्रिमर या मार्केट से भी खरीद सकते हो। तो हमने इसे ट्रिमर से निकाला है, तो इसी मोटर का हम यूज करके बनाएंगे ग्राइंडर, जो कि एकदम मस्त और टॉप लेवल वाला बनेगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर ले लेना है एक पीवीसी का पाइप, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से, और नीचे का जो साइड है आपको हीट करके कुछ शेप इस प्रकार से थोड़ा हमें बड़ा कर लेना है, इसका डायमीटर बड़ा कर लेना है इसके अकॉर्डिंग, है ना, ताकि हम इसे स्टेबल भी कर सकें, है ना। तो क्योंकि छोटा बना रहे हैं ना, तो थोड़ा यूनिक दिखना चाहिए। चलिए उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर हम इसको मोटर को स्टेबल करेंगे, जिसके नाप से यहाँ पर हम शेप दे देंगे और अच्छे से हम यहाँ पर असेंबल कर देंगे। तो चलिए किसके हेल्प से, तो करेंगे यहाँ पर सैंड पेपर के हेल्प से। तो चलिए करते हैं फटाफट, तो इसमें हम अटैच कर देंगे और उसके बाद इसके शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर शेप आ जाएगा। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने उस प्रकार के शेप दे दिया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मोटर अच्छे प्रकार से अटैच हो जा रहा है। तो यहाँ पर चलिए फेविक्विक की हेल्प से यहाँ पर हम साट लेते हैं बढ़िया। उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक कट कर लेना होगा, क्योंकि जो पीछे से मोटर का वायर निकलेगा इसके हेल्प से हम अंदर की ओर ले जा सकते हैं। यहाँ पर हम साट लेते हैं फेविक्विक की हेल्प से, और हो सके तो आप पतले वायर से भी यहाँ पर बांध सकते हो, ताकि आओ बढ़िया हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, अच्छे प्रकार से हो गया है। अब इसको हम डाल देते हैं वायर को अंदर, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कट अच्छे प्रकार से करना है। तो यहाँ पर हो गया फ्रेंड, बाद यहाँ पर लेना है एक जैक, जो कि देख सकते हैं इसे भी हमने ऑर्डर किया था मेकर बाजार से, अगर नहीं देखा अनबॉक्सिंग वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा। और इसको हम डालेंगे इसमें, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, तो थोड़ा ढीला है, तो इससे हम टाइट कर लेंगे, जो कि एडजस्ट करने वाला होता है। तो यहाँ पर लेंगे हम स्क्रू, और यहाँ पर सबसे पहले तो कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक स्विच का यहाँ पर ऑप्शन देंगे, तो यहाँ पर ड्रिल कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम स्विच लगा देते। तो यहाँ पर तो ड्रिल करने के लिए कोई मशीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम हाथ ही मशीन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके हेल्प से हम कैंची की हेल्प से ड्रिल कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनली हमने ड्रिल कर लिया है, और यहाँ पर चलिए यहाँ पर स्विच को डालते हैं हम, और वायर थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो कि आपके मन के मुताबिक हम वीडियो नहीं डाल रहे, या वीडियो अच्छा नहीं लग रहा यार, जो आइडिया अच्छा नहीं लग रहा, जो हो कमेंट में आप बताइएगा, लेकिन बहुत ही मेहनत करते हैं। तो यार सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे प्रकार से सेट हो गया है, वायर आ गया, और यहाँ पर हम यूज करेंगे इसको चलाने के लिए। यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी थी काफ़ी एक मोटर को चलाने के लिए, तो इसे भी हम फटाफट यहाँ पर सेट कर लेते हैं, यहाँ और वायरिंग कर लेते हैं, जो कि स्विच का कनेक्शन बहुत ही ईजी होता है, अगर नहीं आएगा तो वो भी बता दीजिएगा, डायग्राम हम भेज देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो फाइनली गाइस इसमें हमने वायरिंग कर दिया, आप हो सके तो इसमें चार्जिंग मॉड्यूल भी लगा सकते हो यहाँ पर, लेकिन उतना अभी ज़रूरत नहीं है, हमें बस टेम्पोरी दिखाना है, अगर वर्क करेगा अच्छा तो हम उसे कर लेंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ पर एंगल ग्राइंडर मेरा बंद कर रेडी है, लेकिन अभी नहीं, अभी मेन चीज़ इसमें बाकी है क्या, जो कि इसमें कटर लगाना। तो चलिए यहाँ पर हम इस कटर को यूज, सबसे पहले इसका लुक देख लीजिए कितना शानदार लग रहा है, एकदम छोटा, एकदम एक हाथ में आ जा रहा है इजिली। और यहाँ पर देख सकते हैं एकदम कितना इसका आरपीएम हाई है, वो भाई साहब एक बार दबाने पर देख सकते हो, ओ ओ, ओ यहाँ पर रुक ही नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए ओ भाई साहब काटते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब काफ़ी अच्छा से कट कर दे रहा है, तो यहाँ पर कट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे प्रकार से कट कर दे रहा फ्रेंड्स, कट कर पा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ओ भाई साहब इसको तो मक्खन की तरह उड़ा दे रहा है, यहाँ पर देखिए ओ भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हैं कितना पावरफुल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इजीली किस प्रकार से
आपने तो देख लिया और काफी अच्छा से काट रहा था, छोटा मोटा चीज इजिली इसे कट जाएगा। फिर ना कोई छोटा मोटा पीवीसी सीट है तुरंत लाओ खचखच काट लो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इजिली अच्छा से एकदम एंगल में काट देगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको आइडिया अच्छा लगा हो, जरा से अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।